Hello aspirants, I am Pratesh Shukla and I am back with the full paper discussion of the GS 1 paper. और मैंने बताया था कि मैं इसके पहले जितने भी पेपर डिस्कस किया हूँ उसमें सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं. फर्दर ऑन मैं जो है मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन अभी लूंगा और वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगा इसके बाद के भी एक वीडियो में, और जीएस वन का ओवरऑल फुल पेपर डिस्कशन जो है कम्प्लीट हो जाएगा. तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आखिरकार जो आप मेंस का आंसर ऐसे अटेंड करने वाले हैं जीएस वन का, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर जो मेंस का आप अटेंड करने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को, इस डिस्कशन को, वीडियो डिस्कशन को देखने के बाद आपके पास ये सर्टेन अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कहाँ पे आपके कौन से सेंटेंसेस आने चाहिए और जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे सिंप्लीफाइड होंगे रादर देन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने के. इस वीडियोस में तो कई सारे ऐसे सेंटेंसेस मैंने यूज किए हैं जो कि परफेक्ट दिखाई देते हैं या फिर वर्ड्स जो है काफी हैवी दिखाई देते हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट. ना ही कोई ऐसे वर्ड्स बुकिश लैंग्वेज कोई यूज कर पाता है मेंस में. तो आपको ऐसे आंसर जो है प्रोड्यूस करना है जो कि बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड हो, बिल्कुल भी सिंपल हो, लेकिन हाँ जो प्रेजेंटेशन हो जो कि डेफिनेटिव नेचर हो क्वेश्चन का उसको जरूर डिफाइन करता होती है. ऐसे आपको जो है क्वेश्चन वहां पुट आउट करने हैं. और ये जो ओवरऑल वीडियो है दैट इज गोइंग टू गिव यू दोज नोशंस. आप अगर वीडियो को सुनेंगे और जो आंसर्स हैं उसकी जो राइटिंग स्टाइल को अगर देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट आउट किया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि आखिरकार आंसर्स जो है किस प्रकार से आपको पुट आउट करने हैं मेंस में. और जो प्रेजेंटेशन है, हालांकि डायग्राम्स वगैरह मैं काफी कम यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो डायग्राम आप आंसर में पुट आउट करेंगे या फिर खुद से बनाएंगे उसको जो है काफी क्लियर रखने की जरूरत है और उसमें जरूर पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि आखिरकार कौन सी चीज कहाँ पर है. जैसे कि मैं ज्योग्राफी के वीडियो में बता रहा था, तो उसी प्रकार से आपको फर्दर ऑन मॉडर्न इंडिया में आपको बहुत डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ओनली इफ अगर इंडिया के कोई स्पेसिफिक पार्ट्स जहां पे आपको रीजन बताना है वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो मेरा कहना यही है कि जो भी आंसर आप यहां पे देखेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू कंटेंट बट दिस विल आल्सो गिव यू द आंसर फॉर्मेट फॉर द आंसर राइटिंग फॉर दिस इज द आंसर प्रैक्टिस फॉर आंसर राइटिंग फॉर मेंस. ऑलराइट, so this will help you there, so you'll have to see it in that manner rather than seeing the overall content, because ye question to koi zaruri hai nahi ki wahan par aaye hi, isse jude hue questions aa sakte hain ya nahi bhi aa sakte hain. All right, so I will be further along with this particular part. Let me start with this. This is GS 1 full paper discussion and this has been brought by you by Disha publication and this is 120 plus mains discussion. Okay, so the first question which I'm going to discuss here, this will be from Indian history, and the portion that is being discussed here is actually of modern India. All right, let me change the color of the pen. Okay, so the verdict of Plassey was confirmed by the English victory of Buxar. So, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा हुआ है तो वहां से आपको एक स्पेसिफिक आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको स्टैब्लिश करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना बड़ा हाथ था. ब्रिटिश इंडिया उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को कहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरऑल इंडिया में गवर्नेंस पार्ट को एस्टैब्लिश कर चुकी थी, तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी जबकि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटेन से आया हुआ था, वो भी केवल इकोनॉमिक ट्रेड के लिए. तो ये जो दो बेसिक चीजें हैं वो आपको बहुत ही डिफरेंशिएट करके समझना होगा. नाउ द वर्डिक्ट ऑफ प्लासी वॉज कन्फर्म्ड बाई इंग्लिश विक्ट्री ऑफ बक्सर. तो जो प्लासी की विक्ट्री हुई थी, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें जो विक्ट्री हुई उसका कंफर्मेशन, विक्ट्री और बक्सर की जो फाइट हुई उसमें जो है ये कंफर्मेशन हो गया. तो ये क्वेश्चन है और इस पर हमें आंसर पुट आउट करना है कि आखिरकार कैसे जो ब्रिटिश जो पीपल थे वो जो है कैसे वेस्ट बंगाल को ऑक्यूपाई करते हैं और उसके बाद जो अवध के रीजन है, बिहार के रीजन है, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो जब ऐसे फाइट्स वो जीतते चले जाते हैं और उस जीतने के वजह से बाकी सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो कैसे ऑक्यूपाई कर पाते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड थ्रू विच ब्रिटिश पीपल एक्चुअली गेन द रूलिंग ऑफ द इंडियन डोमिनियन. ऑलराइट, तो इसके बारे में हम जो है इसमें पुट आउट करेंगे, इसमें आंसर्स यही बताने वाले हैं. तो नाउ डिमांड क्या है आखिर का क्वेश्चन का, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द विक्ट्री इन बक्सर. ओके, कॉन्सिक्वेंस ऑफ विक्ट्री इन बक्सर. तो आखिरकार क्या हुआ,
इंग्लिश विक्ट्री ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड ब्रिटिश विद इमेंस पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैंने अभी यही समझाया था आपको कि जो बैटल ऑफ पलासी था उसको जीतने के बाद बक्सर की जो विक्ट्री थी ओवरऑल इंडिया को बिल्कुल भी ओपन कर दिया था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रिंसली स्टेट या फिर कोई भी ऐसा किंगडम या फिर कोई भी ऐसी किंग जो कि स्पेसिफिक एरिया का हो इतना पावरफुल नहीं रह गया था जो कि ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट वहां पे खड़ा हो पाए। इसकी वजह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस जो है बिल्कुल भी स्प्रेड कर रही थी। द बैटल ऑफ पलासी इनहेंस द ओवरऑल प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी। बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ था कि जो भी आर्मी ब्रिटिश इंडिया यूज कर रही थी वो उसमें कई मॉडर्न वॉरफेयर मॉडर्न जो है इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे थे, मॉडर्न जो है आर्टिलरी यूज की जा रही थी उनके आर्मी द्वारा, इसलिए उसको काफी जो है हेल्प भी मिलता है ऐसे आर्टिलरी से ऐसे मिलिट्री से। और जब ऐसे इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे थे तो जो इंडियन जो भी किंग्स थे जो इंडियन किंगडम्स थे जो कि फाइट कर रहे थे इनके अगेंस्ट दे वेर नॉट हैविंग एनी चांस टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिश और विन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑल राइट, तो ये जो पलासी का बैटल था दैट वॉज अ थिंग फॉर द मॉडर्न इंडिया दैट वॉज टू बी एस्टेब्लिश आफ्टर 1757। ऑल राइट, नाउ इट प्लेस देम एट अ वेरी एडवांटेजियस पोजिशन। दे हैड नाउ एट देयर डिस्पोजल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ विद इन एंड विदाउट इंडिया। तो अब क्या हुआ था कि यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी भी स्टैब्लिश हो रही थी और फ्रेंच कॉलोनी को हेल्प करने के लिए कई इंडियन किंग्स जो है इनका मदद कर रहे थे, जैसे राजीव दौला वो जो है इनकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी विथ वेरी हैवी इक्विपमेंट्स वेरी हैवी आर्टिलरी एंड मिलिट्री एंड वेरी हैवी प्राउस इनको सिराजुद्दौला दौला को भी डिफीट करते हैं और फ्रेंच आर्मी को भी उसके साथ ही डिफीट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी का जो डोमिनियन है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है और बल्कि ब्रिटिश इंडिया को वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरऑल डोमिनियन में स्टैब्लिश करने में काफी हेल्प करता है। दे वर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम ब्रिटेन विच इन टर्न हेल्प द होम कंट्री इन चैनलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज अगेंस्ट द फ्रेंच पावर इन यूरोप एंड अमेरिका। तो आखिरकार जो यहाँ पे रिसोर्सेस उनको चाहिए थे जो भी आर्टिलरी उनको चाहिए थी दैट वेयर बींग मेड अवेलेबल इन दी साउथ एशियन रीजन इट सेल्फ। और ब्रिटेन से उनको कुछ खास मंगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अंटिल द 18th सेंचुरी इन द स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी ओवरऑल जो ब्रिटिश आर्मी थी वो लगभग लगभग साउथ एशियन रीजन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अच्छा खासा फैल गया था और वहां पर जो हैवी आर्टिलरीज थी जो हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो उनको अवेलेबल हो जा रहे थे, जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस काफी इंप्रूव कर गया था। ऑल राइट, तो इसलिए बैटल ऑफ पलासी में उनको जो है बहुत हेल्प मिल जाती है केवल मिलिट्री के वजह से केवल आर्टिलरीज की वजह से। ऑल राइट, जो कि डिसएडवांटेज था इंडियन जो भी किंग्स थे उनके लिए। द बैटल ऑफ पलासी देयरफॉर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री नॉट ओनली ऑफ बंगाल बट इन द हिस्ट्री ऑफ होल ऑफ इंडिया। इट पेव्ड वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। अब ये ऑलरेडी मैं आपको ऐसा एस्टैब्लिश फैक्ट बता रहा हूँ कि जो बैटल ऑफ पलासी था वो एक पूरा एरिया ही खोल दिया था ताकि बाकी जो एरिया से जैसे मुंबई हो गए मद्रास हो गए अलग जो प्रेसिडेंसीज वो स्टैब्लिश करना चाहते थे दे कुड स्टैब्लिश बाई डिफीटिंग दी स्मॉल किंग्स एंड किंगडम्स दैट वेर प्रेजेंट देयर। ऑल राइट, तो इट हैज बीन राइटली रिमार्क दैट बैटल ऑफ पलासी मार्क द एंड ऑफ एपो एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। इट इन फैक्ट हेराल्डेड द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस यू कैन यूज इट बट इफ यू डोंट डू नॉट वॉन्ट टू यूज इट यू कैन रेफरेंट टू राइट दिस। बिकॉज मैंने बताया है कि जब भी आप कोटेशन यूज करेंगे वो कोटेशन हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का होना चाहिए और जब वो इंडिविजुअल की एग्जैक्ट कोटेशन आप यूज कर पाते हैं तो ही आप मार्क फेच कर पाते हैं, नहीं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऑल राइट, तो द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ क्लोजली कंटेस्टेड बैटल इन विच द लॉसेस टू द इंडियन पावर्स वेयर मोर। तो वॉट वेयर द इंडियन पावर्स, इंडियन पावर्स कौन थे? तो दोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वेयर मुगल एम्परर द लेटर मुगल्स हु वेयर नॉट वेरी मच पावरफुल मुगल एम्परर्स थे उस समय लोकल जो लीडर्स थे सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। तो दीज वेयर सम ऑफ द पीपल जो कि उस समय वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको दिखाई देते हैं। सिराजुद्दौला तो जो है फ्रेंच कंपनी के साथ में थे, मीर जाफर ने काफी बल्कि हेल्प कर दिया था ब्रिटिश का। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस छोटे छोटे डोमिनियंस के वहां पे किंग थे, लेकिन इनको डिफीट करके सिराजुद्दौला को एग्जैक्टली डिफीट करके मीर जाफर की हेल्प से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है ब्रिटिश इंडिया में पूरी तरह से कन्वर्ट हो रही थी धीरे धीरे। ऑल राइट, द बैटल डेमोन्स्ट्रेटेड द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश आर्म्स ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ टू ऑफ द मेजर इंडियन पावर्स।
अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इंग्लिश आर्म है वो दो बड़े बड़े सुपर पावर को अपने साथ वहां पर खींच रहे थे, और वो दो बड़े पावर कौन से थे, उनका जो एक लोकल सुपर पावर वहां पर स्टैब्लिश कर रहे थे साउथ ईस्ट रीजन में भी, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर भी। तो वो जो दो अलग अलग पावर्स थे उनको वो स्टैब्लिश करके और उसके थ्रू जो है वो फाइट्स कर रहे थे। तो बक्सर कन्फर्म डिसीजन ऑफ पलासी, पलासी का जो युद्ध हुआ उसके बाद जो बक्सर का युद्ध था वो ओवरऑल जो डिसीजन था कि आखिरकार जो इंडिया है विच वॉज अ ओपन फील्ड फॉर द कॉलोनियल पावर्स, वहां पर किसका संप्रभुत्व होगा, और वो संप्रभुत्व अल्टीमेटली केम टू द ब्रिटिश आर्मी। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड वाज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रायंफ इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव साइंड टू ट्रीटीज एट इलाहाबाद, पॉपुलरली नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द मुगल एम्परर एंड नवाब ऑफ अवध। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज अ पायनियर, आई वुडंट से पायनियर बट पायनियर एज अ मिलिट्री ऑफिसर, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कलकत्ता सेंड किया गया था कि वो ओवरऑल आर्मी का देखरेख करे और वहां पर जो है जो भी फाइट्स जो बैटल्स होने वाले हैं उनको अंजाम दे पाए सही से। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ ग्रेट मिलिटरी ऑफिसर एंड ही वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच डिसाइसिव एंड प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन बैटल्स व्हाट एवर हैपेंड इन वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, द ट्रीटी इफेक्टिवली लीगलाइज्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर द होल ऑफ बंगाल सिंस शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा एंड टू द ब्रिटिश। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मुगल एम्परर्स थे देवर नॉट वेरी मच पावरफुल, और इनको केवल अपनी साख बचानी थी ताकि इनको कोई जो है किंगशिप से ना हटा दे, इसलिए वो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन जहां पे इनका कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश इंडिया को सीड कर देते थे। तो शाह आलम टू जो थे उन्होंने बंगाल की दीवानी जो है ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, उसके साथ साथ बिहार उड़ीसा को भी ब्रिटिश को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था। दे ऑल्सो मैनेज टू गेट द राइट ऑफ निजामत फ्रॉम मीर जाफर द रीनोमिनेटेड नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर ने क्या किया था कि वो उन्होंने एक संधि कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उनको ये पता था कि ही इज नॉट गोइंग टू विन अगेंस्ट द आर्मी दैट वाज बीइंग ब्रॉट बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो उन्होंने क्या किया कि वो उनसे संधि कर ली है और सराजुद्दौला के अगेंस्ट चले गए, और उस फाइट में जब डिसाइसिव विक्ट्री हो गई तो उन्हें ही मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया बाय द ब्रिटिश इंडिया। ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिमांड यही थी कि जो बैटल ऑफ पलासी था उसमें जो विक्ट्री हुई उसके बाद बक्सर की विक्ट्री से कैसे कंफर्मेशन हो जाता है कि ब्रिटिश इज गोइंग टू एडमिनिस्टर ब्रिटिश इज गोइंग टू गवर्न दी ओवरऑल इंडिया। ऑलराइट, तो फिर साथ ही साथ इसको कंक्लूड करेंगे। इन द फैक्ट द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्मली एस्टैब्लिश द ब्रिटिश एज मास्टर ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा प्लेस्ड अवध एट द मर्सी। नाउ इंग्लिश पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया बिकेम अनचैलेंजेबल, इंग्लिश पावर बिकेम अनचैलेंजेबल आफ्टर द 1757 एंड मेनी मोर कमिंग इवेंट्स। अब ऐसा क्या हो गया कि वेस्ट बंगाल पे तो सुपीरियोरिटी हो ही गई, आसपास के जो रीजन थे बिहार उड़ीसा उस पे भी इनकी सुपीरियोरिटी हो गई, और जो जितने भी छोटे किंग्स क्लैंस थे उनको ये डिफीट करके या तो उनसे रीनिगोशिएट करके अपना संप्रभुत्व तो स्थापित करते जा रहे थे। दैट इज हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्टेड इनटू ब्रिटिश इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया एग्जैक्टली रूल्ड ओवरऑल इंडिया थ्रू द एक्ट्स व्हिच दे वर इनएक्टिंग ईच एंड एवरी टाइम दे वर गेटिंग मोर एंड मोर डोमिनियन। ऑलराइट, so let's move on with this. We will be moving on to the next question, and the next question is the impact of government on the people meant essentially the impact of the impact of government on the people meant essentially the impact of government on the village. तो ये historians के द्वारा depiction था, historians were of the opinion रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल, एंड उन्होंने ये बोला था कि जो भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट का लोगों पे पड़ता है वही प्रभाव गांव पे भी पड़ जाता है। तो इसके बारे में हिस्टोरियंस जो है ये ओवरऑल कंक्लूजन बता रहे थे जब जो है ब्रिटिश इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस जो है एस्टैब्लिश हो रहे थे तब की बात। तो हिस्टोरियंस जो है ऐसे स्पेसिफिक कमेंट्स दिए हुए थे, तो इस कमेंट को हमें एस्टैब्लिश करना है कि आखिरकार हाँ ऐसा होता था, तो और उस पर हमें कमेंट करके ये जो है
फैक्ट को स्टैब्लिश करना है, दैट इज दी ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। अगर ऐसा नहीं होता था तो वी कैन गो अगेंस्ट इट ऑल्सो, ऑल राइट। तो बेसिकली यू शुडंट गो अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ दी स्टेटमेंट बिकॉज दे द एस्टैब्लिश फैक्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर जो भी करती थी उसके जो स्पेसिफिक अकाउंट्स आपको हिस्ट्री बुक्स में मिलते हैं उन सारे अकाउंट से जो डेनोशन होता है वो यही है कि आखिरकार जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाए जाए वो ऐसे होंगे कि गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स ला रही है, गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर रही है जिससे कि इंडियन पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में हिस्टोरियंस लिखा हुआ है और इन द हिस्ट्री वी सी ऑल दोस थिंग्स। तो हम जो है उसके अगेंस्ट नहीं जाते, हम वी ट्राई टू बी न्यूट्रल विथ इट, ऑल राइट। इट इज नॉट दैट वी हैव एनी ओपिनियन टू से इन एज फार एज हिस्ट्री फैक्ट्स आर कंसर्न, ऑल राइट। नाउ व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियाज गवर्नेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन विलेजेस। ओके, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस का जो तरीका था वो और उसका इफेक्ट गांवों पे क्या पड़ा, आखिरकार जो गवर्नेंस थी उसके थ्रू ही हम देखते हैं कि देयर वेर न्यूमरस नंबर ऑफ चेंजेस वेर हैपनिंग सिंस द 1773 इटसेल्फ व्हेन द फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ऑलराइट। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस, द ब्रिटिश रूल हैड प्रोनाउंस्ड एरिड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडिया, देयर वाज हार्डली एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कॉर्नर ऑफ कंट्री व्हिच कुड एस्केप द लॉन्ग आर्म्स ऑफ British colonialism. This is the introduction part. And as I already told you, कि 1773 से regulating act जो है वो establish करने लगे थे, and regulating, what was regulating act? वो भी administration करने का एक specific constitution था जो कि East India Company की थी। मैंने बताया आपको difference East India Company और British India में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने एक स्पेसिफिक रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट कर दिया, और जब वो कई वॉर जीत जाते हैं और कई स्पेसिफिक एरिया उनके कंट्रोल में आ जाती है तो विद द बिगर डोमिनियन दे नीडेड न्यू एक्ट्स, और जब वो न्यू एक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके जो भी मैकेनिज्म थे वो लोगों तक जब तक पहुंचते हैं तो वो उस एरिया पे भी प्रभाव डालते हैं, ऑलराइट। तो ये जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी इन अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट, ऑलराइट। तो इंडिया बीइंग अ कंट्री विद प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एनी इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द पीपल टर्न्ड आउट टू बी एसेंशियली द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द विलेज। तो आपने सुना होगा इंडिगो रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट्स। तो दीज थिंग्स, ये सारी जो रिवॉल्ट हो रहे थे, एक्चुअली व्हाट वर द रीजंस ऑफ दीज रिवॉल्ट्स, आखिरकार कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, गवर्नेंस ऐसी रही होगी जिसकी वजह से रिवॉल्ट कंटिन्यूअस इरप्ट हो रहे थे। तो आखिरकार ब्रिटिश इंडिया का क्या करना था एग्रीकल्चर को लेके, या फिर जो प्लांटेशन कर रहे हैं उनको लेके, या प्लांटेशन लेबरर को लेके, उनके जो रूल्स थे आखिरकार वो क्या थे। तो आखिरकार जो रूल्स होंगे उसके वजह से ही कोई डिसेंशन क्रिएट होता है, और वो डिसेंशन जब क्रिएट होता है तो उससे रिवॉल्ट जैसी चीजें शुरू होती हैं। तो हम देखते हैं कि 1857 के पहले भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल रिबेलियंस होते हैं, और वो जो ट्राइबल रिबेलियंस होते हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश इंडिया बहुत सारे कानून को एक ही जगह पर लागू करती है, और वो ऐसे टैक्सेस और ऐसे बड़ी बड़ी हैवी टैक्सेस जो है लगा देती है इंडियन पीपल के ऊपर, इंडियन जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर, कि उनको उसे समा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई रिवॉल्ट्स वेयर कंटिन्यूअसली हैपनिंग इवन बिफोर 1857 और आफ्टर 1857, ऑलराइट। वी सी दैट थ्रू मेनी रिबेलियंस लाइक चुआर रिबेलियन और दिस पाइका रिबेलियंस, और ये बहुत सारे रिबेलियंस थे जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वी कम टू अ कंक्लूजन दैट ब्रिटिश रूलिंग वॉज नॉट वेरी मच गुड एज फार एज इंडियन पीपल और इंडियन पीजेंट्स वर कंसर्न, ऑलराइट। सो क्योंकि ब्रिटिश इंडिया वाज ओनली वांटिंग टैक्सेस फ्रॉम दी पीपल, या तो वो एग्रीकल्चर के माध्यम से आ जाए, या तो उसके इनकम के माध्यम से आ जाए, या तो रेवेन्यू पे वो जो है अपना कर लगा पाए। तो दीज वर द थिंग्स दैट वाज डन बाय ब्रिटिश इंडिया, तो दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब हम जो है क्वेश्चन के साथ ही साथ चल रहे हैं, कोई उसके बाहर ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड देके और कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन डज नॉट डिमांड दैट, ऑलराइट। वन रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द सडन एंड क्विक कोलैप्स ऑफ द अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉज्ड बाय द कॉम्पिटिशन विद द चीपर इम्पोर्टेड मशीन गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, तो ये कैसे पता चलता है, जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया में वो जो है
तत्कालिक रूप से बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ब्रिटेन से या यूरोप से ऐसी नई नई इंडस्ट्री, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे, नए नए एडवांसमेंट लेके आ रहे थे, जो कि ऐसे सारी हैंडक्राफ्ट बनाई हुई चीजों को बिल्कुल भी कम समय में बनाकर और उपलब्ध करा देती। तो इसकी वजह से जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और ना ही कोई ऐसा ब्रिटिश रूल आया जिसकी वजह से उसको जो है रिवाइव किया जा सके। तो इससे क्या होता है कि ये तो लोगों पर ही प्रभाव था, लेकिन द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज एक्चुअली बिलोंग टू दी विलेजेस। ऑल राइट, सो द इम्पैक्ट ऑन द पीपल वॉज एक्चुअली इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन दी विलेजेस। ऑल राइट, सो लेट मूव ऑन विद द आंसर। ऑल राइट, द रिवन्ड आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन अनेबल टू फाइंड एनी अल्टरनेटिव जॉब बिगेन टू कम टू विलेजेस एंड क्राउड इन टू एग्रीकल्चर। अब जो भी क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्ट्समैन, अब इनका तो स्पेसिफिक काम ये था कि वो जो है कुछ कढ़ाई या डिजाइनिंग ऐसा कुछ करते थे, लेकिन जब इनके पास ऐसे काम ही नहीं रहेगा तो फाइनली दे वेर बैक टू एग्रीकल्चर। इनके पास सारे ऐसे काम खत्म हो गए, दे वेर बैक टू एग्रीकल्चर, और इवन एग्रीकल्चर में भी जो प्रोड्यूस था उस पे टैक्सेशन काफी हैवी था, हैवी टैक्सेशन। सो देर वॉज नो वेयर टू गो other than giving taxes to the British and save their lives. That was the thing that was happening during the British India. This not only broke the union of agriculture, overcrowding on land and destruction of self-sufficient rural economy, but also slummed peasant into impoverishment under the British rule. British rule में कैसे जो हमारे peasants थे या फिर हमारे जो craftsmen थे उनका जो कैपेबिलिटी था कैसे वो बिल्कुल भी कमजोर पड़ जाता है, उनका बैकबोन कैसे ब्रेक कर जाता है, वो ब्रिटिश रूल की जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस थे, जो भी रूल्स लॉस थे वो हमेशा उनके अगेंस्ट ही जा रहे थे। और जो अगेंस्ट जा रहे थे वो क्या थे कि हैवी टैक्सेशन दैट वर पुट ऑन दी एग्रीकल्चर और प्रोड्यूस दैट वर बीइंग डन। तो इसकी वजह से हमारे जो भी स्किल्ड वर्कर्स थे दे वेर नॉट फॉलोइंग देयर स्किल्स। ऑल राइट, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिवेन्ड द पीजेंट्स कंडीशन इन बोथ द परमानेंटली सेटल्ड एरियाज एंड दोज अंडर रैयतवारी सेटलमेंट, लॉट ऑफ पीजेंट्स रिमेन्ड अनएनविएबल। अब रैयतवारी सेटलमेंट्स में भी जो पीजेंट्स रहते थे उनके पास भी, जबकि उनके पास तो थोड़ी जमीन होती थी और वहां पर वो किसी टिनेंट को दे के और अपना कुछ स्पेसिफिक काम करा सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसे पावरफुल जो जो फार्मर्स थे उनका भी बैकबोन इसलिए टूट जाता था क्योंकि वो टिनेंट्स को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, और जो प्रोड्यूस आता था मैक्सिमम चीज वो ब्रिटेन के पास चली जाती थी या ब्रिटिश इंडिया के पास चली जाती थी। ऑल राइट, सो दैट वॉज बिकमिंग डेंजरस फॉर दी पीपल लिविंग इन द विलेजेस। दे वर लेफ्ट एट द मर्सीज ऑफ जमींदार्स दैट ट्रांसैक्ट देम एंड कंपेल देम टू पे इलीगल ड्यूज एंड टू परफॉर्म फोर्स्ड लेबर। तो जमींदार्स का तो स्पेसिफिक ऐसा पोजिशन क्रिएट ही कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, जो कि एक दादागिरी वाला कंडीशन था। और ये जमींदार क्या करते थे कि जितने भी टीनेंट्स थे या फिर जो लोग लेवल फार्मर्स थे उनके उनसे जो है दादागिरी करके या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके, कोएसिव थिंग्स का इस्तेमाल करके उनसे चीजें हड़प लेते और फिर वो ब्रिटिश ब्रिटेन को दे देते। तो जमींदार वर एक्चुअली ये जो है बिचौलिए बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीजेंट्स के बीच में। और इनका सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात इनके लिए ये थी कि ये इंडियंस ही थे ज्यादातर जगहों पर, ये वो इंडियंस थे जो कि काफी पावरफुल थे एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न। ऑल राइट, या तो जमीन ज्यादा होती थी या तो पैसे ज्यादा होते थे, तो इसलिए इनको जो है दादागिरी करना या फिर इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करके और उनसे कर वसूलना, ये इनका जो है बेसिक मोटिव हो गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड वॉज अकम्पनीड बाई रिजिडिटी इन कलेक्शन, राइज ऑफ न्यू लैंडेड जेंट्री एंड इंट्रूजन ऑफ मनी लेंडर्स। अब मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि हैवी टैक्सेशन की वजह से क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर अगर प्रोड्यूस भी अच्छा हो जाता तो उसका लार्जर चंक जो है ब्रिटेन के पास चला जाता था, ये ब्रिटिश इंडिया के पास चला जाता था। दोज वेर द रूल्स विच बाय विच इंडियन पीपल वेर नेवर कंफर्टेबल विथ। ऑल राइट, और क्योंकि कर भी आसानी से मिल जा रहा है और जो इंडियन पीपल हैं वो बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, ये देखते हुए ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया जो थी वो और भी कर को और बढ़ाते चली जा रही थी, उनको भी रेवेन्यू की और भी आवश्यकता पड़ती जा रही थी।
और साथ ही साथ क्योंकि यूरोप में भी कंटिन्यूअस कंडीशंस बहुत ही डैमेज हो रहे थे, और ब्रिटेन की जो जो भी वेल्थ थी वो वहां इस्तेमाल हो रही थी, जो भी वॉर हो रहा था वहां इस्तेमाल हो रहा था, इसकी वजह से उन्हें कंटिन्यूअस रेवेन्यू की भी जरूरत पड़ रही थी जो कि वो इंडिया से कैप्चर कर रहे थे। ऑलराइट, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मोर ओवर द इम्पैक्ट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक रेलवेज, लॉ ऑर्डर, मशीनरी वॉज ऑल्सो फेल्ट इन रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया। अब रेलवेज या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का ब्रिटेन का तो मकसद यही था कि जो लार्जर चंक ऑफ प्रोड्यूसर्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन सही जगहों पर हो जाए, जैसे कि सी पोर्ट्स पे हो जाए, और उस सी पोर्ट्स से वो दे कैन कैरी इट टू द यूरोपियन पार्ट। इसकी वजह से ये रेलवेज या फिर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को भी स्टैब्लिश कर रहे थे। स्पेसिफिक एरिया पर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी वहीं पे स्टैब्लिश हो रही थी जहां पर ट्रेड होता हो, जहां पर ट्रेड के मैकेनिज्म थे वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर भी ये काफी तंदुरुस्त रखते थे, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ थिंग्स हैपन फ्रॉम दैट ट्रेड इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को भी काफी अच्छा वो तंदुरुस्त कर रहे थे, जिसका इफेक्ट ओवरऑल विलेजेस पे तो पड़ ही रहा है और लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही था। दो द रेलवे सर्व टू वेरीफाई इंडिया एंड ब्रॉड द नेशनल कॉन्शियसनेस, दे सर्व एज एजेंट्स इन एरियाज ऑफ कॉलोनिज्म टू ड्रेन ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली रेलवेज का इस्तेमाल लोकल इंडियंस भी कर रहे थे, इसके साथ साथ जब वो ट्रांसपोर्ट जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते तो इवन दो द आइडियाज वेर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम हियर एंड देयर, लेकिन रिसोर्सेज का जो ट्रांसफर था दैट वॉज ड्रेनिंग इंडिया। और उसी समय की जो कंटिन्यूअस रिसोर्सेस को जो ट्रांसफर किया गया यूरोप में, दैट इज वाई इंडिया वॉज वेरी मच डाउनग्रेडेड अंटिल इट गॉट इंडिपेंडेंट। जब तक वो आजाद होता है बहुत ही बैड कंडीशन में रहता है इकोनॉमिकली। All right. Now let's conclude the answer. The impact of the government on the people meant essentially the impact of government on the villages. So this is the statement that was being made. That was the question actually. So we have corrected the statement and said that yes, the rulings that were done by the British India was draconian, and all those draconian laws were actually for benefit of the Britain, not for the Indian people, whereas Indian peasant were perishing as far as the law of the Britain was concerned. All right, that was being done in British India. All right, so this is the overall answer. So I will be concluding with the video, and thank you for watching this, and stay home, stay safe, and keep learning. I'll be coming up with the continued video.